हेलो दोस्तों, आप सबका मेरे चैनल वॉस कुकिंग में स्वागत है। और आज मैं बनाने वाली हूँ बहुत ही फेमस ऐसी चटनी जो है पुदीना की। तो चलिए ये पुदीना चटनी बनाना शुरू करते हैं। ये रेसिपी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है 1 कप पुदीना, आधा कप धनिया। जितना मैंने पुदीना का इस्तेमाल किया है उससे आधा मैंने यहाँ पे धनिया इस्तेमाल किया है। स्वादानुसार नमक, 2 हरी मिर्च। अगर आपको थोड़ी स्पाइसी चटनी चाहिए तो आप इसमें एक और हरी मिर्च डाल सकते हो। 4 से 5 लहसुन और 1 अदरक का टुकड़ा। 1 चम्मच मैंने यहाँ पे लिया है नींबू का रस। 1/2 चम्मच जीरा, जीरा मैंने यहाँ पे थोड़ा सा भून लिया है। 1 छोटा कप दही। तो चलिए ये इंस्टेंट और टेस्टी चटनी बनाना शुरू करते हैं। पहले हम एक मिक्सिंग जार लेंगे और उसमें हम डालेंगे पुदीना, धनिया, जीरा, अदरक और लहसुन, नमक और दही को छोड़ के हम इसमें सारी चीज़ों को डालेंगे, हरी मिर्च, और फाइनली हम इसमें डालेंगे नींबू का रस और इसे हम अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। मिक्सिंग जार भले ही भरा हुआ लग रहा है लेकिन इससे 1 छोटा कप इतनी ही चटनी बनेगी। तो इसीलिए जब भी आप ये चटनी बनाएं तो आप यहाँ पे छोटे मिक्सिंग जार का इस्तेमाल कीजिए, बड़े मिक्सिंग जार का नहीं तो ये चटनी अच्छे से ब्लेंड नहीं होगी। चटनी को ब्लेंड करते समय हम इसमें पानी नहीं डालेंगे। अगर आपको चटनी थोड़ी ड्राई लगे तो आप इसमें 1 से 2 चम्मच पानी डाल सकते हो। मुझे यहाँ पे ये थोड़ी सी ड्राई लग रही है तो मैंने यहाँ पे 2 चम्मच पानी डाला है। अब हम इसे फिर से ब्लेंड करेंगे। तो देखिए चटनी अच्छे से ब्लेंड हो चुकी है। तो आपने देखा चटनी की क्वांटिटी कम हो गई है। अब हम एक मिक्सिंग बाउल लेंगे और उसके अंदर डालेंगे हम दही और इस दही को हम अच्छे से फेंट लेंगे। ऐसा करने से दही के अंदर जो पानी होता है वो बाहर नहीं आता। अब हम इसमें डालेंगे स्वादानुसार नमक और उसे भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। दही अच्छे से फेंटने के बाद हम इसमें डालेंगे पुदीना की चटनी। आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि दही की क्वांटिटी से पुदीना की चटनी की क्वांटिटी ज़्यादा होनी चाहिए। अब हम इस पुदीना की चटनी को दही के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये चटनी सैंडविच के साथ या फिर कबाब के साथ बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। तो लीजिए आपकी इंस्टेंट झटपट पुदीना चटनी रेडी है। आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी आप प्लीज़ मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।